आलमों की जबरदस्त अदायगी से शोहरत पाने वाले मुमताज अदाकार यूसुफ खान के इंतकाल को 4 बरस बीत गए हैं। उनके करियर पर रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से कासिम अली। ये मेरा हुक्म नहीं, खुदा की मर्जी है कि मैं अपनी जिंदगी देकर गरनाता की जिंदगी बचा लूं। जल्दी चलो मंसूर। यूसुफ खान पाकिस्तानी फिल्मी सनत के उन मुनफरिद फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने पर्दे सीमी पर फनी सफर की गोल्डन जुबली मुकम्मल की। 5 दहाइयों पर मुहित शानदार कैरियर में यूसुफ खान ने नौजवान साइड हीरो से लेकर बूढ़े करेक्टर एक्टर तक हर नौयत के किरदार उम्दगी से निभाए। जब ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब बन रही थी, इसकी तामीर हो रही थी, तब भी वो इसमें शामिल रहे और जब इसकी तबाही शुरू हुई, बल्कि तबाही हुई, उस वक्त भी वो मौजूद थे। कसूर के एक मौजूद घराने से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ खान को फन अदाकारी का शौक जमाने तालिबे इल्मी में ही लाहौर ले आया। सत्तर की दहाई में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की फिल्म जिद्दी से यूसुफ खान के अरूज का आगाज हुआ। सिद्धा रस्ता, खतरनाक, वारंट, सोनी महिवाल और धीरानी समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तवील अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ उनकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाया, उनको बतौर हीरो तो लेते रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक जो बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा आदमी, जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट, जो बेचैन था, वो बड़े अरसे के बाद डिस्कवर हुआ। इस मुहिबे वतन अदाकार ने लॉलीवुड की बका के लिए पाकिस्तान में हर प्लेटफॉर्म पर भारतीय फिल्मों की नुमाइश की सख्त मुखालफत की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो शख्स असबियत की और गैरत की एक मिसाल था। कई फिल्म अवार्ड्स के अलावा यूसुफ खान को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। एक शानदार जिंदगी गुजार कर यूसुफ खान 20 सितम्बर 2009 को आरज़ाए कल्ब के 22 लाहौर में इंतकाल कर गए। कासिम अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।